हेलो एवरीवन टुडे वी विल बी टेकिंग अप अ न्यू टॉपिक इन बायो मोलिक्यूल एंड द न्यू टॉपिक इज लिपिड्स लिपिड्स क्या होते हैं लिपिड्स आर द दिट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिपिड हमें पता है कि ये हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल्स हैं और ये जो लिपिड्स हैं ये बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और फ्यू ऑक्सीजन आइटम से वेन वी क्लासीफाई द लिपिड्स अब हम लिपिड्स को क्लासीफाई करते हैं लिपिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं लिपिड्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज वन इज द सिंपल लिपिड्स सेकेंड कैटेगरी कुड बी दी कंपाउंड लिपिड्स और थर्ड कैटेगरी जो हमने यहां पर लिखी हुई है दैट कुड बी दी डिराइव लिपिड्स तो लिपिड्स जो कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं ये तीन टाइप के हो सकते हैं सिंपल लिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स एंड थर्ड वन इज द डिराइव्ड लिपिड्स तो आइए हम देखते हैं सिंपल लिपिड हम किसको कहेंगे क्या होते हैं सिंपल लिपिड्स सिंपल लिपिड्स में हमारा कॉमन आता है फैट एंड ऑयल विच इज़ वेरी वेरी कॉमन फैट आपको पता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो फैट होता है वो सॉलिड होता है और वाइल जो होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो फैट एंड वाइल पहली कैटेगरी आ जाएगी आपके सिंपल लिपिड्स के अंदर एंड दी अनदर कैटेगरी इन द सिंपल लिपिड इट कुड बी वैक्स दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए फैट और वाइल दे कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड एंड द गिस्ट्रॉल फैटी एसिड यहाँ पे फैटी एसिड्स क्या है फैटी एसिड का हम लिखते हैं आर सी ओ एच आर कु नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में वेरी कर सकती हैं ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन सो फैट एंड वाइल दे आर हैविंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बने होते हैं फैट एंड ऑयल सिंपल लिपिड की टाइप है सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें टाइप देखते हैं वैक्स वैक्स किससे बना होता है ये फैटी एसिड प्लस अल्कोहल इसमें अल्कोहल जो होगा दैट विल बी अदर देन ग्लिसरॉल जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें अल्कोहल होता है सिटाइल अल्कोहल 16 कार्बन जिसके अंदर होते हैं तो वैक्स विल हैव फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल एग्जाम्पल हम यहां पर दे रहे हैं सिटाइल अल्कोहल का तो सिंपल लिपिड्स आर ऑफ टू टाइप्स फैट्स एंड वैक्स आइए सेकंड कैटेगरी के ऊपर चलते हैं सेकंड कैटेगरी इज कंपाउंड लिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं ये तीन टाइप के हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोलिपिड्स। नाम से आपको पता लग रहा होगा डिफरेंस का फॉस्फोलिपिड्स में फास्फेट ग्रुप होगा ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट होंगे और लाइपो प्रोटीन्स या मैं हमारे पास जो है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का जो कंपोजिशन जो है वो होगा फॉस्फोलिपिड्स, एज आई सेड इट विल बी हैविंग फैटी एसिड अल्कोहल फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजनस स्पेस ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं एक है ग्लिसरोफॉस्फेट और दूसरा है स्पिंगो लिपिड्स या सिफिंगो फॉस्फेट या स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स दो टाइप्स के हो सकते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगो फॉस्फोलिपिड देखिए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स किससे बने होंगे दे कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस यहां पे हम नाइट्रोजन बेस इसका एग्जांपल लेंगे हम ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल लेंगे लेसिथिन ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेसिथिन लेसिथिन में कोलाइन होता है नाइट्रोजन बेस की फॉर्म में सो ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड होगा ग्लिसरॉल होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा नाइट्रोजन बेस कोलाइन होगा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आ जाएगा लेसिथिन का दूसरा जो फॉस्फोलिपिड है दैट इज स्फिंगो फॉस्फोलिपिड स्पिंगो फॉस्फोलिपिड्स में क्या होगा फैटी एसिड होंगे इसमें स्फिंगोसाइन होगा अल्कोहल फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा एग्जाम्पल इसमें किसका आ जाएगा स्फिंगो माइलिन इज आ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फिंगो फॉस्फोलिपिड तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे दो टाइप्स के हो गए एक हो गया ग्लाइसीरो फॉस्फोलिपिड और दूसरा हो गया स्फिंगो फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड हमारे तो दो टाइप के हो गए एक हो गया हमारे पास ग्लाइसिरोस्फोलिपिड एंड दूसरा हो गया हमारे पास स्पेंगोफॉस्पोलिपिड दूसरी कैटेगरी के ऊपर आते हैं हम कंपाउंड लिपिड्स के अंदर दूसरी कैटेगरी हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स किससे बने हैं फैटी एसिड स्पिंगोसाइन कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं एग्जाम्पल इसके पास हमारे पास आ जाएगा सैब्रोसाइड सेरिब्रोसाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड सो ग्लाइकोलिपिड फैटी एसिड स्पिंगोसाइन कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन एज वी सेट दैट लाइपोप्रोटीन जो है किस लिपिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है ये कैरियर है लिपिड्स के लिपिड्स को कैरी करने का काम लाइपोप्रोटीन करते हैं एग्जाम्पल अगर इसमें देना चाहें हम तो काइलोमाइक्रॉन एच डी एल हाई डेंसिटी लिपिड्स लो डेंसिटी लिपिड एल डी एल फैटी एसिड प्लस एल्ब्यूमिन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लाइकोप्रोटीन में दे सकते हैं थर्ड कैटेगरी हमारे पास है डिराइव्ड लिपिड्स की डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स आर दो लिपिड्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी हाइड्रोलिस ऑफ दी सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स ये सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिस से बने हुए होते हैं एग्जाम्पल हम डिराइव लिपिड्स में किसका दे सकते हैं स्टीरोइड्स या स्टीरोल फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है इसमें फैट सॉल्युबल सोल्यूबल वाइटाम्स तो स्टीरोड हॉर्मोन्स फैट सॉल्यूबल वाइटामिन ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे हमारे पास ये डिराइव्ड लिपिड्स में आ जाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ लिपिड्स एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं लिपिड्स क्या हैं? लिपिड जो है दे आर दिट्रोजनस ग्रुप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड लिटल ऑक्सीजन और यू कैन से दीज आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं सिंपल कंपाउंड डिराइव्स सिंपल लिपिड्स में हमने कहा फैट ऑयल एंड वैक्स आ जाएगा कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्पोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स लाइकोलिपिड आ जाएंगे और डिराइव लिपिड में थर्ड कैटेगरी है जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड से बनते हैं तो थर्ड कैटेगरी आ गई डिराइव लिपिड्स की सिंपल लिपिड्स में अगर हम एग्जाम्प एग्जाम्पल देना चाहेंगे अगर हम इसमें तो हम कहेंगे कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट एंड वाइल बनाते हैं वैक्सीज में फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर दैन ग्लिसरॉल जिसमें सिटाइल अल्कोहल जो है वो वैक्स बना देगा कंपाउंड लिपिड्स तीन टाइप्स के होते हैं फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड लाइपोलिपिड फॉस्फोलिपिड्स का हम कह रहे हैं दो टाइप्स के हो सकते हैं फर्दर ये ग्लाइसिरो फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगो फॉस्पोलिपिड्स ग्लाइसिरोस्फोलिपिड में एग्जाम्पल एसीथिन का है स्फिंगो फॉस्फोलिपिड्स में एग्जाम्पल स्पिंगो माइलिन का है दूसरी कैटेगरी इसमें है ग्लाइकोलिपिड्स की ग्लाइकोलिपिड्स का एग्जाम्पल है हमारे पास सेरेब्रोसाइड्स का एग्जाम्पल है थर्ड कैटेगरी है लाइपोलिपिड इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं काइलोमाइक्रॉन वी एल डी एल एच डी एल एल डी एल और फैटी एसिड एंड एल्ब्यूमिन का एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइपोलिपिड्स ये कैरी कैरी करते हैं अदर लिपिड्स को कैरी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और थर्ड एंड लास्ट इज द ड्राइव लिपिड जिसमें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टीरोइड्स, फैट सॉल्युबल वाइटामिनस एंड स्टीरोइड्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिपिड्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच